हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। क्या हाल है आप लोग? क्या सब अच्छे होंगे? गाइस, ये माइक टेस्ट का JBL ट्यून बड्स का अभी मैंने अपने ईयर्स पे लगाया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लगा है और यहाँ पे भी लगा। अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये इसी के माइक के थ्रू सुन रहे हैं और काफी अच्छा बोला गया है। इसमें जो माइक है, मैंने सुना है कोई प्रॉब्लम नहीं आता, एकदम क्लियर रहता है। वह जब भी आपको मेरा आवाज क्लियर ही आ रहा होगा। फिलहाल तो रूम में आपको पता ही रहता है, मैं रूम में फर्स्ट टाइम, एज यूजुअल मेरा फैन वैन सब बंद ही रहता है। कोई मैंने फैन वैन चालू नहीं किया। विंड के नॉइस हम क्रिएट करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन अभी फिलहाल तो आप समझिए काफी बढ़िया रहा मेरा एक्सपीरियंस इस कॉलिंग का। काफी अच्छा ही रहा, क्लियर सुनाई देता है। और ऐसा है कि आप जिम में भी रहोगे तो भी सुनाई देगा आपकी आवाज, और बैकग्राउंड का नॉइस तो आएगा, साथ में आपकी आवाज भी आती है। ये बहुत कम TWS ऐसा कर पाते हैं, मतलब जिम में लाउड नॉइस के साथ भी आपकी आवाज भेजने का, बैकग्राउंड का भी आएगा और साथ में आपका भी आएगा। ये ऐसा एक चीज होता है। तो वैसे अभी मैं देखिए वही एज यूजुअल अपना जो रहता है फैन, यार फैन हर समय अपने, ये फैन हम बंद है तो अभी इसको हम अभी चालू करते हैं और देखते हैं कैसा अभी ये साउंड करता है। फिलहाल इसको चालू करते हैं। चालू है ना? इसमें आपका जो माइक होता है एक साथ चारों यूज नहीं करता है, ये करता है कोई एक कार्बन लेफ्ट कार्बन राइट कार्बन और कार्बन राइट 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 कार्बन जैसे कि मैंने आप लोग बोला था कि जिम में लाउड वॉइस नॉइसेस में भी ये काम करता है, आपका आवाज क्लियर जाता है। तो नहीं, यहाँ पे मैं ऐसे टीवी का एक टाटा स्काई का ना ऐसे कुछ चालू कर दे रहा हूँ, उसका एड वैड रहेगा अच्छे खासे लाउड में मैं स्टार्ट करता हूँ, इसके बावजूद भी मेरी वॉइस आपको सुनाई देगी। अब जैसे मेरे को अगले ने बोला जिसका मेरे पास कॉल आया, तो मैंने पूछा मेरा आवाज आ रही है कि नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ आपका बैकग्राउंड का भी वॉइस आ रहा है और प्लस आपका भी वॉइस आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपका वॉइस नहीं आ रहा है, मेरा वॉइस भी, मतलब मेरा वॉइस भी अगले को सुनाई दे रहा था। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं अभी ये टीवी का स्टार्ट करते हैं, पता चल जाएगा। तो ये अभी आप लोग मेरा आवाज ज्यादा सुन सकते हैं क्या? मैं तो टेस्ट करते ही समय बता सकता हूँ कि काफी लाउड वॉइस है। एक मिनट निकाल के देखता हूँ और बढ़ा के देखते हैं। तो देखिए ऐसा म्यूजिक आ रहा है सब कुछ, इसके बीच में मेरा वॉइस आ रही है कि नहीं, तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ गाइस और मैं थोड़ी देर बाद ही आपको बता पाऊंगा वर्डिक्ट क्या है इसका, मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं, ताकि ऐसा इतने लाउड नॉइस में भी अगर थोड़ा और कम करूँ, बाजू में ही खड़ा हूँ मैं तो वो सुनना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, अभी म्यूट करता हूँ। तो गाइस आई होप कि ये इतना टेस्ट सही होगा और अभी देखते हैं कि आवाज मेरा आता है कि नहीं। बारिश हो रहा है बाहर, नहीं तो मैं ट्रैफिक वाला भी टेस्ट कर देता। ठीक है, मैंने बोला था जैसे बहुत सारा बच्चा बाहर बहुत बहुत बारिश हो रहा है तो थोड़ा मुश्किल है, तो अभी मैं ये जिम वाला टेस्ट ऐसा करके मैंने कर दिया, थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हो ही गया होगा। सो गाइस ये माइक टेस्ट था JBL ट्यून बड्स का, आपको कैसे सुनाई दिया, सही लगा कि नहीं लगा बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में, भी वर्डिक्ट सुना दूंगा। ठीक है, तो आई होप मेरे ये टेस्ट आपको पसंद आया होगा। सो गाइस जैसे कि आप लोग ने सुन लिया कि काफी बढ़िया काम करता है इसका माइक, काफी अच्छे तरीके से काम करता है। आई नो कि मतलब विंड के सिचुएशंस में वो प्रॉब्लम आता ही है, लेकिन उसमें भी आवाज आ रहा था, ऐसा नहीं कि आवाज किसी को समझ नहीं आ रहा था, आ रहा था समझ में, फिर भी थोड़ा डिस्टर्बेंस तो रहता है क्योंकि ना जो एक माइक अगर ये समझ लो कि ऐसा अगर रहेगा तो एक सामने है माइक और एक पीछे है माइक और दोनों फंक्शनल रहता है एट ए टाइम, तो ऐसे अगर सामने कुछ आएगा तो विंड के ना ऑब्वियसली बात है कि आपको प्रॉब्लम हो गई। और हाँ, आपको बाइक राइड करते समय टू व्हीलर में प्रॉब्लम हो गई होगा, आपको हेलमेट वेयर करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होने वाला। और जो मैं एक छोटा सा सिचुएशन क्रिएट किया था टीवी के साथ चालू कर, बैकग्राउंड के नॉइस में भी आपका आवाज क्लियर सुनाई देता, हाँ बिल्कुल वो क्लियर सुनाई दे रहा था। प्लस जैसे
मैंने आपको बताया जिसको कॉल आया था, मैंने पूछा मेरा आवाज क्लियर है, तो बोला कि हाँ बैकग्राउंड का आवाज भी आ रहा है लेकिन आपका आवाज भी क्लियरली आ रहा है, कैप्चर कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। अगर आप लाउड जगह में रहते हैं तो बहुत मुश्किल है। मैंने इतने TWS यूज किए हैं जिसमें मेरे को अच्छे से अच्छे वाले उसमें निकालना पड़ता है, मतलब ईयरफोन निकाल के बात करना पड़ता है क्योंकि खुद का आवाज कैप्चर नहीं करता। जिम में समझ रहे हो ना, जिम में लाउड नॉइस में एकदम कैसा उसमें नहीं पता कर, मतलब कैप्चर नहीं करता। तो माइक काफी अच्छा, एज यूजुअल हर कोई TWS सिचुएशन में काम नहीं करेगा, तो आपको समझ आएंगे गाइस इसका माइक कैसा है। आई होप कि मैंने आपकी हेल्प करी होगी इस माइक को समझने के लिए। तो गाइस ये था माइक टेस्ट JBL ट्यून बड्स का। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, पसंद है तो बिल्कुल लाइक करेगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब जरूर करेगा। बहुत से लोग वीडियोस देख के जाते हैं, मतलब वीडियोस पे 8-8, 10-10 हज़ार व्यूज मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मेरा तो सब्सक्राइबर बेस 1000 ही है, तो मेरे लिए बड़ी बात है कि 10-10 हज़ार लोग वीडियोस देख के जा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करता है, थोड़ा दिक्कत है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हेल्प कर दी इस चैनल को ग्रो करने के लिए। आप जो भी नए सब्सक्राइब कर रहे हैं सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया है, आपके कारण ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और चैनल थोड़ा भी जॉगिंग पे आया है, पहले रेंग रहा था, चलना शुरू हुआ, अभी थोड़ा दो जॉगिंग पे आया, तो इसको भी दौड़ाना है गाइस, ठीक है। तो आप लोग के हेल्प की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। सो गाइस आई होप कि मैंने हर एक पॉइंट क्लियर किया होगा। एज यूजुअल पसंद आया तो लाइक करेगा, और सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करेगा। सो गाइस मिलते हैं फिर, और हाँ कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं फिर ऐसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस एंड ऑलवेज बी फियरलेस।